मसीह का जन्म इस दुनिया में आखिर क्यों हुआ, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में क्यों आए। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता है, क्रिसमस मना लेते हैं, अच्छा खाना खा लेते हैं, अच्छे कपड़े भी पहन लेते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून क्यों बहा दिया, प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस के ऊपर लटकाए गए। क्यों लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, उसने हमारे लिए अपने हमारे पापों का बोझ जो है अपने ऊपर ले लिया। किसी को ये भी नहीं पता है कि क्यों ऐसा लोग कहते हैं। हे भाई और बहनों, हम रोमियों की किताब और उसके 5 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग जो है धर्मी ठहरे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा नहीं मानने से बहुत सारे लोग जो है पापी ठहरे। हे भाई और बहनों, वो एक मनुष्य कौन था जिसने आज्ञा नहीं मानी थी। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि उत्पत्ति की किताब जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी की सारी चीज की सृष्टि की, और परमेश्वर ने अपनी आराधना करने के लिए, अपनी महिमा कराने के लिए परमेश्वर ने आदम को भी मट्टी लेके उससे उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया, और परमेश्वर चाहते थे कि ये जो है मेरी महिमा करे। हे भाई और बहनों, महिमा का शरीर जो था उसका आदम का था। हे भाई और बहनों, उसके साथ परमेश्वर ने उसे एक स्त्री को भी दिया जिसका नाम जो था हवा रखा गया। हे भाई और बहनों, आदम और हवा को एक गार्डन दिया गया और कहा गया यहाँ पे रहो, यहाँ के वारिस हो, यहाँ की सारी चीज़ें जो है तुम्हारी है और तुम इसमें इंजॉय कर सकते हो, आदम और हवा को कहा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने इतना प्यार किया आदम और हवा को, उनके लिए हर एक चीज़ को बना के दे दिया, उनके जीवन में खुशियों से भर दिया, और परमेश्वर ने आज्ञा दी कि ये सारे बगीचे का फल कोई भी खा सकते हो, लेकिन ये जो बीच में जो एक फल है इसे तुम कभी भी ना खाना, क्योंकि अगर तुम इसे खाओगे तो एक दिन मर जाओगे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आज्ञा हवा को और आदम को दी कि ये मेरी आज्ञा है, इसका तुम पालन करना। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जब कोई आज्ञा देता है तो बहुत सारा ज़रूरी है कि हमें उस चीज़ का जो है पालन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आज्ञा दी जाती है लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वो ऐड कर देते हैं कि यार ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। है भाई और बहनों, जब हमारे मन के अंदर सवाल जब उत्पन्न होते हैं, एक तो सवाल होते हैं जानकारी के लिए, एक सवाल और भी होते हैं जो शैतान हमारे दिल में उत्पन्न करता है और हमें गलत रास्ते के ऊपर लेके चले जाता है। हे भाई और बहनों, सावधान इस चीज़ के लिए आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर वचन में कुछ कहा गया है ये नहीं करना है, तो यानी कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि इसे नहीं करना है और इसे तोड़ना नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा को, यहाँ पे आदम और हवा को भी एक बगीचा दिया गया और उसे कहा कि ये सारी चीज़ का अधिकार जो है तुम सबको है, लेकिन एक फल को मत खाना, क्योंकि ये एक दिन तुम्हें मृत्यु में लेके चले जाएगा। हे भाई और बहनों, मगर आदम और हवा ने क्या किया, शैतान हवा के पास आया और हवा को कहा कि इस फल को खा लो, इस फल को खाओगे तो तुम भले और बुरे का ज्ञान जान जाओगे। हे भाई और बहनों, ये जो सोच थी कि भले और बुरे का ज्ञान तुम पालोगे, इस चीज़ को जो है हवा ने सुना और उस तो फल को जो है खा लिया। हे भाई और बहनों, जब आदम ने पूछा आके कि इसे क्यों खा लिया, तो उसने कहा कि हम भले और बुरे का ज्ञान जान लेंगे इसलिए मैंने खाया, तुम भी खाओ और तुम भी भले और बुरे का ज्ञान जान लोगे। हे भाई और बहनों, आदम ने
आदम ने अपनी पत्नी की बात को मान के उस फल को खा लिया और दोनों को पता चल गया कि हम दोनों नंगे हैं। ए भाइयों और बहनों, इससे पहले उनको पता ही नहीं था, भले और बुरे का ज्ञान नहीं था, वो कपड़े पहनते हैं नहीं पहनते हैं इस चीज़ का भी नहीं पता था। बहुत ही खुशी के साथ अपना जीवन जो थे उस बगीचे में बिता रहे थे जो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से उनके लिए बनाया था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को सब कुछ दिया और सिर्फ एक ही एक चीज़ कहा कि इस बगीचे में से एक फल, इस पेड़ का फल ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब आज्ञा आदम ने, परमेश्वर की आज्ञा को आदम ने और हवा ने तोड़ दिया और वो परमेश्वर से जो थे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए थे, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अब राज्य नहीं कर सकते थे, परमेश्वर के साथ अब रह नहीं सकते थे, क्योंकि वो लोग भले और बुरे का ज्ञान जान चुके थे, पाप में जो डूब गए थे। पाप में वो लोग कैसा डूबे थे? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना ही पाप को दिखाता है। हे भाई और बहनों,